हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों के साथ परवल की एक मजेदार रेसिपी दही परवल शेयर करने जा रही हूँ। परवल का तो बहुत रेसिपी आपने बनाए होंगे, पर ये रेसिपी बहुत ही मजेदार है। आप देखिए और घर में बनाइए, देर ना करते हुए चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे परवल को अच्छे से वॉश करके ली हूँ और नाइफ की मदद से आगे और पिछले हिस्से से थोड़ा थोड़ा इसका हम हिस्सा निकाल देंगे और हम हल्का हल्का स्क्रब करके उसका छिलका निकाल देंगे परवल का अच्छे से। ये देखिए मैं छिलका निकाल दी हूँ। अभी हम इसको कट मार्क दे देंगे ताकि मसाले जो है परवल के अंदर जाए और टेस्टी लगे। तो देखिए मैं दोनों तरफ से कट मार्क लगा दी हूँ, पूरा हमको अलग नहीं करना है। तो इस तरह से हम सारे परवल को इसे कट मार्क देके रख देंगे। अभी हम कर लेते हैं मसाले की तैयारी। इसके लिए मैं ली हूँ एक बड़ा वाला अनियन को रफली चॉप करके, दो ग्रीन चिलीज, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक। ये सबको मिला के हम एक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैं एक कढ़ाई गर्म करके 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल दे रही हूँ। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है, कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, पर मस्टर्ड ऑयल से ऑथेंटिक टेस्ट आता है इस रेसिपी का। तो इसमें सारे परवल हम डाल दिए और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे। नमक डालने से परवल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो मीडियम फ्लेम रखेंगे और परवल को बीच बीच में चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भून लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा परवल अच्छे से भून गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो गया है। ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसको और इसको हम एक प्लेट पर निकाल देंगे। तो उसमें जो लेफ्ट ओवर ऑयल था उसमें ही हम सब्जी बनाएंगे। तो मैं होल गरम मसाला ऐड करती हूँ, थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग सब डाल दी हूँ। ये सब डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। जीरा का कलर जब चेंज हो जाएगा, ये जो पेस्ट मसाला है हमारे पास, इसको हम डाल देंगे। और ये मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से रॉ स्मेल चला ना जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून गए हैं। तो इसमें हम सारे ड्राई स्पाइसेस जो है उसको डाल देंगे, जैसे कि थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी। नमक हल्दी हम पहले से डाले थे, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये सब डाल के हम इसको और 1 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले में हम थोड़ा सा पानी दे देंगे और मसाले से ऑयल सेपरेट होने तक थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं मसाले से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब हमारे मसाले जो है वो भून गए हैं। अभी मैं इसमें डालूंगी दही। तो मैं यहाँ पे प्लेन दही, फ्रेश दही का यूज कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून दही को अच्छे से फेंट के मैं मसाले में डाल दूंगी। तो यहाँ पे फ्लेम को हमें लो ही रखना है, पूरा लो सीम पे ही रखना है गैस को, नहीं तो दही कड़ल हो सकता है, फट सकता है। और अभी हम मीडियम लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए दही को मसाले के साथ भून लेंगे। तो ये जो स्टेप है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है इस रेसिपी का। आपको लो फ्लेम पे दही को लगातार चलाना चाहिए, नहीं तो कड़ल हो सकता है। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गया है, मैं इसको अच्छे से कुक करती हूँ। अभी इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो उसी दही कटोरी में मैं थोड़ा सा पानी लेके डाल दी हूँ। तो इतना ही कंसिस्टेंसी रखेंगे और इसको लिड दे के थोड़ा सा बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी में बॉयल आ गया है। मैं यहाँ पे डालूंगी 2 चुटकी शुगर। शुगर डालने से सारा फ्लेवर बैलेंस हो जाता है, टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। तो शुगर डाल के इसको मिला देंगे और इसमें सारे फ्राइड परवल को हम ऐड कर लेंगे। तो परवल को हम डाल दिए हैं ग्रेवी में, इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको लीड दे के और 5 मिनट के लिए ग्रेवी में कुक होने के लिए छोड़ देंगे। पाँच मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। आप अभी से देख सकते हैं टेक्सचर कितना अच्छा आया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है,
सब्जी का कंसिस्टेंसी जो वो बहुत ही परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस दिख रहा है ये सब्जी, बहुत ही शानदार है। इसमें कोई भी गरम मसाले, धनिया, कुछ भी जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी है, आप इसे चावल रोटी सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।